स्वागत एक बार फिर से आपका और मार्केट में बहुत ही मजबूती के साथ 150 पॉइंट निफ्टी और करीब 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में रूपक डे हमारे साथ जुड़ गए। रूपक डे क्या लग रहा है आपको, अब तो नई तेजी की तरफ बढ़ गया मामला? जी बिल्कुल, निफ्टी में तो तेजी बरकरार रहना चाहिए, अपसाइड में 24,850 के पास जाना चाहिए एक बार निफ्टी, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट और ज्यादा मजबूत होगा 51,000 के ऊपर। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है, बैंकिंग स्पेस और ओवरऑल निफ्टी में पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, आरबीएल बैंक आपने नजर डाली, 5% ऊपर है, 220 रुपए पहुंच गया फ्यूचर्स में। जी अभी आज का दिन एक रिकवरी देखने को मिला, लेकिन 220 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फर्दर रैली। 220 के ऊपर सस्टेन करता है तो 238 240 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 212 का। ओके, 220 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अच्छा, ओएमसीज में कोई पसंद आ रहा है आपको, एचपी बीपी आईओसी में? एक्चुअली पिछले 3-4 दिनों से रैली हो रहा था, फिर भी बीपीसीएल अभी भी इस लेवल से मुझे अच्छा लग रहा है। बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए स्टॉक में, अगर 340 के आसपास मिले तो बेहतरीन होगा, 330 का स्टॉप लॉस में होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, और अपसाइड में 370-385 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, रूपक, हिंडाल्को कई दिनों की नरमी के बाद अब फिर से उसने एक मजबूती दिखाई है, आज फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो 672-673 का रेट चल रहा होगा, क्या इस बार ये 700 पार करेगा? जी लगता है पॉसिबल है, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन बना के 615-640 के बीच में एक बेस फॉर्मेशन किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम के साथ भी दिया ब्रेकआउट, तो इस हिसाब से 700 के ऊपर एक बार क्रॉस करना चाहिए शॉर्ट टर्म में। अभी इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा 659 का, 659 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहे तब तक चांसेस है अपसाइड दिखाने का। ओके, रूपक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच केईआई इंडस्ट्रीज जिस पे यूबीएस की रिपोर्ट थी 8% ऊपर जा चुका है और अब ये 4710 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। केई इंडस्ट्रीज में जबरदस्त तेजी बनती हुई आप देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप कमाई का अड्डा।